ये गुब्बारा सजाया जा रहा है, सवारा जा रहा है। क्या बोल सकता हूँ, आप जैसे पत्रकार हो और एक हमको लगता है ये क्या कहा जाए, तीसरे पकड़ा कि जब तक उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया तब तक तुमने दम नहीं लिया। चमचमाती गाड़ी है, अब ये गाड़ी सड़कों पे दौड़ेगी, नगमा आगे बैठी रहेगी और जो पैसेंजर यहाँ बैठेंगे और इसके लिए सबसे बड़े बधाई के पात्र तुम हो और तुम्हारा चैनल है। और मैं इसी के माध्यम से आप सभी चैनल वाले को बोलना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम से, इस घटना से सीख लीजिए। आजकल के डॉक्टर भगवान होते हैं। परिवार की सदस्य है तो परिवार का सदस्य अगर कोई तकलीफ में रहेगा तो कोई खुश कैसे रह सकता है। चलिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, चमचमाती और एकदम नई नवेली गाड़ी, टोटो गाड़ी, जिस गाड़ी की सवारी अब नगमा इस पे बैठेगी, रोड पे चलाएगी, नगमा 2 रुपया कमाएगी और नगमा की जिंदगी यकीनन अब जो है बदलता हुआ दिखाई चलिए खरीद से भी हम कम में गाड़ी दिए हैं। इस तरफ शाहनवाज भाई हैं, क्या बोलेंगे एक लाइन में नगमा के लिए, डॉक्टर साहब के लिए? सबसे पहले तो मैं तुमको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बढ़ती भीड़ में तुमने जो सामाजिक समस्या है, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, इस भीड़भाड़ के न्यूज़ को छोड़कर तुमने उस नैतिक कर्तव्य को पकड़ा और पकड़ा ही नहीं, इतने मजबूती से पकड़ा कि जब तक उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया तब तक तुमने दम नहीं लिया। इसके लिए सबसे बड़े बधाई के पात्र तुम हो और तुम्हारा चैनल है। और मैं इसी के माध्यम से आप सभी चैनल वाले को बोलना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम से, इस घटना से सीख लीजिए कि किसी भी काम को जब शिद्दत से किया जाता है तो पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सोसाइटी जो है उसके मदद के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए पुनः आप बधाई के पात्र हैं और दूसरे बधाई के पात्र हमारे बड़े भाई असीम प्रकाश साहब हैं। मैं पुनः इसका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। क्या बोलेंगे नेपोलियन भाई नगमा के लिए, डॉक्टर साहब के लिए? मैं क्या बोल सकता हूँ, आप जैसे पत्रकार हो और एक हमको लगता है ये क्या कहा जाए आपके पत्रकारिता को, जो कि आपने सबसे पहले हम कॉल किया था आपको कि ऐसे ऐसे बात है और आज आप अंजाम तक पहुंचा दिए। सबसे बड़ी धन्यवाद के बात हैं हमारे भाई साहब डॉक्टर असीम प्रकाश जी, जो कि हमको लगता है डॉक्टर सही में कहा जाता है, आजकल के डॉक्टर भगवान होते हैं, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर साहब होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को भगवान ना करे कुछ हो, ऐसे आगे बढ़ते रहे और मदद करते रहे। सर एक अंतिम सवाल आपसे है, गाड़ी तो सर दे रहे हैं, काफ़ी तारीफ़ हो रही है, नगमा भी आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, सर कुल कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं और इसको सर मदद? अभी जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोगों ने मदद किया है, अतुल के मालिक ने भी मदद किया है, चूँकि इन्होंने अपने वाजिब दाम से भी कम में लिया है तो वो भी हमारा मदद ही हुआ। जो भी है वो तो आपको ज़्यादा हद भाई बताएंगे, चूँकि वही सारा चीज़ देख रहे थे। अब यहां जितने लोग बैठे हैं सब लोगों ने मदद किया है। अंतिम में नगमा को क्या कहेंगे अपने माध्यम से? अपने माध्यम से यही कहूँगा कि कोई डरने की बात नहीं है, समाज भी एक परिवार का बड़ा हिस्सा होता है, तो हमने अगर इनको हेल्प करने का सोचा तो यही सोच के कि ये भी हमारे एक परिवार की सदस्य है, तो परिवार का सदस्य अगर कोई तकलीफ में रहेगा तो कोई खुश कैसे रह सकता है। चलिए कोई खुश कैसे रह सकता है, लेकिन उससे खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, चमचमाती और एकदम नई नवेली गाड़ी, टोटो गाड़ी, जिस गाड़ी की सवारी अब नगमा इस पे बैठेगी, रोड पे चलाएगी। ये गुब्बारा सजाया जा रहा है, सवारा जा रहा है, हर तरफ बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो लोग गाड़ी लेते हैं उसे दिया जा रहा है, लेकिन नगमा मधेपुरा की बेटी है, बिहार की बेटी है, देश की बेटी है और ये पहली ऐसी बेटी है जब सड़कों पे गाड़ी लेके चलती थी तो लोग इसे देखते थे, कॉमेंट करते थे, लेकिन आज नगमा के चेहरे पर जो है हंसी है। ये चमचमाती गाड़ी है, ये सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। ये बताएं कि पूरा एकदम सजा रहे हैं, एकदम पूरा इनको संवार रहे हैं, कितना घंटा से सजा रहे हैं इसको? 15 से 20 मिनट से। हाँ 15 से 20 मिनट से सजा रहे हैं जी। पूरा बढ़िया गाड़ी है जी। अच्छा देखिए ये चमचमाती गाड़ी है, अब ये गाड़ी सड़कों पे दौड़ेगी, नगमा आगे बैठी रहेगी और जो पैसेंजर यहाँ बैठेंगे और नगमा 2 रुपया कमाएगी और नगमा की जिंदगी यकीनन अब जो है बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बिहार के मधेपुरा से निकलकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, नगमा के लिए अब एक नया पल है, नया वक्त है, नया समय है, नया दिन है, नया महिला जो नया महीना है, अब नया नगमा जो है पैसा कमाएगी, दूसरों के घर नहीं जाएगी और उनकी अपनी गाड़ी होगी, जो पैसा होगा वो अपने घर ले जाएगी, अपने बच्चों के लिए जो है सारा सामान ले जाएगी। तो लगातार इस खबर पे हम बने हुए थे और ये जो बातें निकलकर सामने आ गई कि नगमा
के लिए जो है जो भी परेशानी दिक्कतें आ रही थी अब वो दूर होता दिखाई पड़ रहा। नगमा अपनी गाड़ी को लेकर सड़कों पर दौड़ाएगी और ये जो है लगातार ये सिलसिला अब जो है चलता रहेगा और नगमा की ज़िंदगी में यकीनन आप जो है खुशी का पल दिखाई पड़ रहा। इस खबर को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।